नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले खबर आ रही है बाराबंकी की, जहां हरिजन समाज कल्याण निगम लिमिटेड के द्वारा दुकानें लगभग 30 वर्ष पहले बनाई गई थी, जिसे अनुसूचित जाति के लोगों को सभी दुकानें हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित कर दी गई थी। आपको बता दें, पूरा मामला बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा के मोहल्ला गढ़ी वार्ड का है। यहां पर सुबेहा चकोरा मार्ग पर बाजार में कई अरसे पूर्व लगभग 30 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा 10 दुकानें बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित कर दी गई थी, जिसके बाद नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पुनः फिर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 2008 में अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित की गई, जिसमें से कई वर्ष पूर्व इसमें से 2 दुकानें बेच दी गई थी, जिस पर भू माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। शेष दुकानों पर आज भी अनुसूचित जाति के आवंटित मौके पर काबिज हैं। बाराबंकी से जिला संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मामला यह है कि दरबाबा ने धमकावत है, रात खाली का तो गोली मारने पर ये नहीं। तो ये दुकान किसकी है, कब से है तुम्हारे नाम दुकान? 15 साल से। 15 साल हो गए। तो कौन लोग धमकाते हैं? हमारा मामला इसको अमिताभ बहुत दिन से सरकार हमको देख रहा है। क्या दिया सरकार ने? यानी दुकान। कौन सी दुकान? ये जो हमारे पीछे है। अच्छा, तो अब क्या हुआ इसमें? इसमें जो भू माफिया लोग उनके हाथ में देख भी हैं, तो इसलिए हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। तुम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें निकल जाओ, नहीं आपको गोली से मार देंगे। अगली खबर बाराबंकी की है। विकास नगर त्रिवेदीगंज की ग्राम पंचायत पोखरा के ग्राम रायपुर में शौचालयों का निरीक्षण करने पहुंची जांच टीम। आपको बता दें कि इस संबंध में संवाददाता महेंद्र सिंह ने शौचालय की जांच कर रहे लेखपाल संतोष वर्मा से बात की, तो झिझक कर ऊंची आवाज में बताया कि सक्षम अधिकारी कानूनगो पोखरा में बैठे हुए हैं, जाकर उन्हीं से बात कीजिए। खबर लखनऊ की है, जहां राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी सेवक वेलफेयर एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में ग्लोब पार्क में राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में हजारों की तादाद में कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी मात्र वही मांग है, एक संपूर्ण समायोजन नियमावली संशोधन और आयु सीमा संशोधन, जिसकी वजह से प्रदेश के हजारों सीजनल अमीन और सेवक विनिवृत्तीकरण से वंचित हैं। बराबर सरकार से मांग हो रही है, 4 बार हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया हाथ में उनके, और उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। अगली खबर लखनऊ की है, जहां लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मिलकर एक छात्र की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। बेखौफ हो चुके बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट का है, जहां मृतक प्रशांत किसी पार्टी में शामिल होने के लिए अलकनंदा अपार्टमेंट आया हुआ था। इस दौरान अपार्टमेंट के बाहर करीब आधा दर्जन से अधिक बदमाश प्रशांत के इंतजार में घात लगाए हुए बैठे थे। मृतक प्रशांत जैसे ही अपने ड्राइवर शादित के पास लोहिया से अलकनंदा अपार्टमेंट पहुंचे, तभी घात लगाए बदमाशों ने प्रशांत पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में सोमैन वर्मा डीसीपी ईस्ट ने बताया कि आज यहां अलकनंदा अपार्टमेंट में प्रशांत सिंह नामक युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट ग्रुप है, जिसमें बीती देर रात खाने के दौरान एक पक्ष से भिड़ंत हो गई थी। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर ग्लास भी तोड़ा, जिस पर एक पक्ष बदला लेने की बात पर आमादा था। फिलहाल इस पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गई है। आज घटना हुई है, जिसमें प्रशांत सिंह है, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। कुछ लड़के ने आके उनको चाकू मार दिया है,
जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो सूचित जानकारी हमें मिल रही है, इन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, दो चार लोग कुछ दूसरे काम भी करते हैं। लास्ट ईस्टरडे नाइट दे हैड ए डिनर समवेयर, उसके बाद इनके बीच में झड़प हुई है। एक ने इनके जो दूसरी पक्ष की बात हो रही है, एक पक्ष एक पक्ष के सर पे ग्लास भी तोड़ा है, तो दूसरे पक्ष जो है उसके रिवेंज लेने की बात कर रहे थे, रिश्वत लेने की बात कर रहे थे, उसी बात के सिलसिले में शायद ये घटना घटित हुई है। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।